मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर के येजुआर में ब्रह्म कुमारी द्वारा चलाए गए नशा मुक्ति अभियान, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके राजीव ने मोबाइल वैन प्रदर्शनी के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर किए 14 कार्यक्रम, सेवा केंद्र पर लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक करने के साथ ही औरों में भी जागृति लाने के लिए किया प्रेरित। राजयोग शिक्षक बीके रिशु, बीके राजकुमार, बीके किशोर, बीके डॉक्टर फलक सहित अन्य बीके सदस्यों की रही सहभागिता। इसके साथ ही ये जुआर की अन्याय कॉलोनी, उप हरोली चौक, कचहरी चौक, मार्केट, कटाई चौक, बहसोल बाजार में मोबाइल वैन के द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान, नशे के दुष्परिणामों से सैकड़ों लोगों को कराया अवगत। बीके राजीव ने कहा कि नशा हस्ती खेलती गृहस्थी का नाश कर देती है, इसलिए नशीले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। ऐसे ही राजकीय कन्या पाठशाला गायत्री विद्या मंदिर समेत कई स्कूलों में भी विद्यार्थियों को नशे से होने वाली बीमारियों की दी जानकारी। बच्चों के साथ स्कूल के अध्यापक और प्राचार्य ने भी रखे अपने विचार, ब्रह्मा कुमारी के सेवाओं को सराहा। ये जुवार गांव के कई मंदिरों के प्रांगण में भी आने वाले श्रद्धालुओं को नशा मुक्त बनने का दिया संदेश। राजयोग शिक्षक बीके रिशु ने नशे को छोड़ने का संकल्प कराने के साथ ही दिया परमात्मा का सत्य ज्ञान। कहा, नशे से हमें नफरत करना चाहिए क्योंकि नशा कितनी ही जिंदगियां बर्बाद कर देता है। तो वहीं बीके राजीव ने भी रखे अपने विचार। संबलपुर सेवा केंद्र के द्वारा लखनपुर बंद बहाल की एमसीएल कंपनी में सिक्योरिटी विंग की तरफ से सिक्योरिटी स्टाफ लिए रखा गया आध्यात्मिक कार्यक्रम, सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर बीके बहनों ने रखे अपने विचार। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री ने स्वयं की वास्तविक पहचान के साथ ही राज्यों के अभ्यास से खुद को सशक्त बनाने पर दिया जोर। पाटन के सांडेसराय स्थित सेठ एमएन हायर सेकेंडरी स्कूल में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने बच्चों को नैतिक मूल्यों का जीवन में महत्व विषय पर की चर्चा। प्राचार्य नरेश पटेल ने कहा कि नीति शिक्षा से ही भावी नागरिक अच्छे बनेंगे। वहीं पुराना पाटल में पटेल समाज से सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्ति विषय पर चर्चा। राजयोग शिक्षक बीके नीता ने कहा कि नित्य राज्यों के अभ्यास से हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। समाज सेविका पटेल मैडम ने संस्था की सराहना की तो बीके भगवान ने सकारात्मक संकल्पों पर दिया जोर। गुजरात के बालीसाड़ा उपसेवा केंद्र के द्वारा जीवन संध्या वात्सल्य ट्रस्ट के वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का किया गया सशक्तिकरण। बुजुर्गों का जीवन अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है विषय पर बीके भगवान ने की बातचीत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मित्तल ने कहा कि हमारे बड़े हमें दौलत भल ना दें लेकिन संस्कार और पालना अवश्य देते हैं। इसके साथ ही पाटन के कुलघेर सेवा केंद्र पर जीवन में राज्यों का महत्व विषय पर आयोजन। बीके भगवान ने राज्यों के द्वारा कर्मेंद्रियों पर संयम रख कर्मों में कुशलता लाने का समझाया मंत्र। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेतल ने राज्यों को विपरीत परिस्थितियों में तनाव मुक्त बनने में बताया कारगर। समाज सेवक बाबू पटेल ने भी रखे अपने विचार। ऐसे ही धारपुर के मेडिकल कॉलेज में युवा विद्यार्थियों से नैतिक मूल्यों और सकारात्मक चिंतन से सशक्त युवा विषय पर चर्चा। बीके भगवान ने कहा कि भौतिक शिक्षा से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं लेकिन परिवार से हम संस्कार प्राप्त करते हैं। पाटन के उपसेवा केंद्र पर राजयोग साधना का जीवन में महत्व विषय पर आयोजन। वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके नीता बीके निधि ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए उसके महत्व को किया स्पष्ट। पाटन के नवनिर्मित दिव्य दर्शन भवन में 4 दिवसीय योग साधना शिविर, सकारात्मक चिंतन से व्यर्थ मुक्ति एवं शक्तिशाली स्थिति विषय पर बातचीत। बीके भगवान ने बताया कि मन के विचारों का हमारे वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रीवा सेवा केंद्र पर विंध्य क्षेत्र के उत्कृष्ट मूलनिष्ठ रचनाकारों की काव्य गोष्ठी। रामलखन सिंह, योगेंद्र मिश्र, शिवानंद तिवारी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, आशीष तिवारी ने नशा मुक्त समाज बनाने के विषय पर दी काव्यात्मक प्रस्तुति। क्षेत्रीय निदेशिका बीके निर्मला ने राज्यों के प्रयोग से नशा मुक्त बनने पर डाला प्रकाश। नई दिल्ली में भारत सरकार और जीएमआर वर लक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा ग्रेटर कैलाश सेवा केंद्र की राज्यों शिक्षक बीके संगीता को अवार्ड से किया सम्मानित। ट्रेनिंग के जरिए लंबे समय से बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मिला सम्मान।
ब्रह्मपुर के प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन। क्वालकॉम के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार ने 50 भाई बहनों को दी ट्रेनिंग। ब्रह्मपुर सब जोन प्रभारी बीके मंजू और रिट्रीट सेंटर के निदेशिका बीके माला ने ज्ञान चर्चा करते हुए दी ईश्वरी सौगात। फास्ट न्यूज में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।